हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर रुक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर रुक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम सीखेंगे डेंगू फीवर होने के कारण क्या होते हैं, कौन से लक्षण डेवलप होते हैं और किस तरह से हम ये कंडीशन का उपाय कर सकते हैं, कैसे इलाज हो सकता है। तो सीखते हैं डिटेल में डेंगू फीवर के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर रुक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर रुक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मा रॉक्स के ऊपर, की जहाँ पे सीखे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में एक साल तक सरल भाषा में फार्मा रॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो एंड्रॉयड यूजर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूजर ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर ऐसी बीमारी है कि जो डेंगू वायरस के कारण होती है, और ये स्पेशली वायरस जो है वो आपके बॉडी के अंदर फैलता कैसे, तो मॉस्क्यूटो के जो बाइट से, कि जो मच्छर के काटने से फैलने वाली ये बीमारी है। और मॉस्क्यूटो के अंदर भी हम देखें तो जो फीमेल एडिस इजिप्टी करके जो स्पीसीज आती है मच्छर की, उसके काटने से स्पेशली ये डेंगू फीवर होता है। आगे जाने तो ये फीवर को बोन ब्रोकन फीवर भी कहा जाता है, मतलब कि हड्डी तोड़ बुखार भी उसको कहा जाता है। उसका कारण ये है कि जब किसी को डेंगू फीवर होता है तो उसके हड्डियों में उसको काफ़ी पेन होता है, जिसके कारण ऐसा फील होता है कि जैसे हमारी हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई है, ऐसा जो है वो पर्सन फील करता है। मतलब कि जैसे बोन ब्रोक हो जाते हैं, हड्डी या टूट जाती है, और उस वक्त जिस तरह से हमें पेन होता है, दर्द होता है, ऐसा पर्सन फील करता है डेंगू फीवर के दौरान। आगे जानते हैं डेंगू फीवर होने के कारण क्या होते हैं। तो डेंगू फीवर जो है वो स्पेशली डेंगू वायरस के कारण होता है, और ये वायरस आपके बॉडी के अंदर फैलता है मच्छर के काटने से, कि जो मॉस्क्यूटो बाइट कहा जाता है। कि यहाँ पर आप देखो कि ये एडिस इजिप्टी करके समझो कि मच्छर की जो स्पीसीज है वो आपको जो है वो काटती है, तो उसके कारण डेंगू वायरस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फैल सकता है, और इस तरह से आप जो है वो ये बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। तो स्पेशली ये बीमारी एक ही रीज़न से फैलती है, वो है मच्छर के काटने से, और उसमें भी जो मच्छर की जो स्पीसीज है एडिस इजिप्टी, उसके काटने से आपको ये बीमारी होती है। अब जानते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब किसी को डेंगू होता है तो कौन से सिम्टम्स उसकी बॉडी में डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले उसको सर दर्द होगा, हेडेक होगा काफ़ी, साथों साथ जो बुखार आता है वो काफ़ी तेज बुखार होता है, और वो आप मेज़र करो तो 104 डिग्री जितना फीवर होता है पर्सन को, या फिर उससे भी ज़्यादा फीवर हो सकता है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख कम हो सकती है आपकी बॉडी एक, मतलब कि आपको बदन दर्द हो सकता है, डायरिया हो जाता है कुछ केसेस के अंदर, उल्टी होती है, थकान महसूस करते हैं, और आँखों में दर्द होता है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं डेंगू बुखार के दौरान। कुछ दूसरे सिम्टम्स हम देखें तो नी पेन, मतलब कि घुटनों का आपको दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, लिथार्जी, मतलब कि आपको सुस्ती आ जाएगी बॉडी के अंदर, नाक से खून आ सकता है, और शरीर में लाल धब्बे। कि यहाँ पे आप ये डायग्राम में देखो तो स्किन के ऊपर जिस तरह से रेड स्पॉट हमें देखने को मिल रहे हैं, लाल धब्बे देखने को मिलते हैं, ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं जब आपको डेंगू फीवर होता है। आगे जानते हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस के, अगर आपको डेंगू फीवर होता है तो उसके कारण कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो सकते हैं, कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। दूसरी कंडीशन देखें तो ब्लीडिंग हो सकती है, कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जी की जो कंडीशन होती है उसमें हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, कि लो ब्लड प्रेशर पर्सन जो है वो फील करता है। सीवियर वीकनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, कई बार प्लेटलेट कम हो जाने के कारण, या फिर ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाने के कारण पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने पर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं डेंगू फीवर के दौरान। प्रिवेंशन की हम बात करें तो स्पेशली आपको जो है वो मॉस्क्यूटो कंट्रोल खास करना है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट फॉगिंग वगैरह भी कर सकती है आपके एरिया के अंदर, कि जिससे मच्छर जो है वो कम हो जाए। दूसरा, आप भी खुद से
जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, कि मच्छर को दूर करने की जो अगरबत्ती वगैरह आती है, मच्छर मारने के लिए जो अलग अलग तरीके हम यूज़ करते हैं, रिपेलेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, कॉइल वगैरह यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो आप कपड़े पहनते हैं वो ऐसे कपड़े पहने कि आपके हाथ और पैर जो है वो अच्छे से ढक जाए। फिर मॉस्किटो नेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि जिसको मच्छरदानी हम कहते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी जगह कि जहाँ पे पानी भरा रहता है और वहाँ पे मच्छर डेवलप हो सकते हैं, तो वो सब अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितना आप क्लीनलीनेस फॉलो करेंगे तितने मच्छर जो है वो कम होंगे, और उससे आप ये डेंगू से बच सकते हैं। साथों साथ आप जो है वो मॉस्किटो नेट खास यूज़ करें, कि जिससे मच्छर काटने से आप बच सकते हैं, और कपड़े भी आप ऐसे पहने कि जिससे आपका बॉडी अच्छे से कवर हो, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स को जो यूज़ करना चाहिए। बिकॉज़ जो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर हम प्रिवेंशन रखेंगे तो ट्रीटमेंट से वो काफ़ी बेटर रहता है। अब जानते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स है तो उसका डायग्नोसिस कैसे होगा। तो डायग्नोसिस तुरंत करवा लेना चाहिए, कि जिसके लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, कि जिससे कंफर्म हो जाए कि आपको डेंगू वगैरह है। फिर मेडिकल हिस्ट्री आप बता सकते हैं आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, और डिसीज कंडीशंस के बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस हो जाता है डेंगू फीवर के दौरान। आगे बात करें हम उसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के दौरान पर्सन को बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत ही पानी पीजिए आप, कि जब आपको डेंगू फीवर जो है आपका पॉजिटिव आता है। सेकंड, पैरासीटामल यूज़ करें, बिकॉज़ ये बुखार में आप कोई भी एंटीबायोटिक ना लें, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामल का यूज़ करें। तीसरा, ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए। चौथी बात करें तो प्लेटलेट काउंट भी मॉनिटर करना चाहिए साथों साथ। अगर ज़रूरत पड़ने पर सपोर्टिव केयर देनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को। छठा ऑप्शन देखें तो अगर उसको डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट उसके बॉडी के अंदर कम हो रहे हैं, तो आप उसको ORS दे सकते हैं, या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड से भी आप उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सातवां ऑप्शन रहता है कि अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो उस वक्त पेशेंट को जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है वो किया जाता है। तो शुरू से सीखते हैं डिटेल में, तो पानी क्यों पीना है बहुत ज़्यादा, तो डेंगू के दौरान जो है वो हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर जो डिहाइड्रेशन हो गया तो पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया मतलब कि दस्त हो सकते हैं, तो उस दौरान उसकी बॉडी में से वाटर लॉस हो सकता है। तो प्रॉपर पेशेंट को जो है वो हाइड्रेटेड रखना है, और उसको खास एडवाइस देनी है कि पानी जो है वो अच्छे से ले, और साथों साथ डिहाइड्रेशन को जो है वो प्रिवेंट करें। तो डेंगू के दौरान पेशेंट को जो है वो मिनिमम 5 से 7 लीटर जितना पानी जो है वो पर डे देना चाहिए, कि जिससे वो प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे। और दूसरे, खाने की हम बात करें तो जंक फूड वगैरह डाइट में ना लें, ऑयली खाना भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कि ऐसा आपको डाइट हेल्दी डाइट लेना चाहिए कि जिससे कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो। सेकंड बात करें तो पैरासीटामल लेनी चाहिए, कि अगर आपको बुखार होता है और बुखार काफ़ी 104 या 105 जितना रहता है फ़ारेनहाइट के अंदर, तो पैरासीटामल खास यूज़ करें, और वो भी प्लेन पैरासीटामल। कैसा नहीं कि उसके साथ कॉम्बिनेशन में डाइक्लोफेनेक हो, या फिर एसिक्लोफेनेक हो, या फिर सेराटियोपेप्टिडेज हो, कोई भी कॉम्बिनेशन वाली पैरासीटामल यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन पैरासीटामल। और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलीग्राम के जो पैरासीटामल आते हैं सिर्फ वो यूज़ करें, और सिर्फ उसके कंटेंट के अंदर पैरासीटामल ही होना चाहिए, कोई दूसरे कॉम्बिनेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज दूसरे जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है उनके कारण जो है वो क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग जैसा हो सकता है। तो कभी भी एसिक्लोफेनेक भी यूज़ ना करें, डाइक्लोफेनेक यूज़ ना करें, एस्पिरिन भी यूज़ ना करें, आइबुप्रोफेन है, और या फिर नेप्रोक्सन जैसे मेडिकेशन को आप यूज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल को ही यूज़ करें डेंगू फीवर के दौरान। तो इससे क्या होगा कि पैरासीटामोल के जो कैटेगरी के कैनाल जैसे कि एंटीपायरेटिक के तौर पे काम करते हैं, तो ये आपका पेन है वो भी कम करेगी, और साथों साथ फीवर भी कम करेगी, कि जिससे पेशेंट की कंडीशन जो है वो स्टेबल हो सकती है। तीसरा ऑप्शन देखिए तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। तो उसके लिए आप जो स्फिग्मोमैनोमीटर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर के लिए जो डिजिटल इक्विपमेंट्स आते हैं वो भी यूज़ कर सके, जिससे आप पता लगा सके कि उसके जो ब्लड प्रेशर है वो जो नॉर्मल है कि 120/80 जो हम कहते हैं, और उसके जो
हार्ट रेट या फिर उसके पल्स जो है वो एटलीस्ट 72 के आसपास रहे, तो वो आप खास ध्यान रखें कि प्रॉपर मॉनिटरिंग का जरूरी है, ब्लड प्रेशर और साथ साथ हार्ट रेट का। फिर प्लेटलेट काउंट का भी मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज हमने शुरू में ही सीखा कि डेंगू बुखार के दौरान आपके प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, तो ज़रूरी है कि रेगुलरली प्लेटलेट काउंट भी मॉनिटर किया जाए। तो ब्लड टेस्ट से प्लेटलेट काउंट जो है वो आपको पता चल सकता है, तो वो खास कराते रहिए डेंगू बुखार के दौरान। पांचवा, कि अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है और हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो प्रॉपर सपोर्टिव केयर जो है उसको मिलनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर की, जिससे इसके जो सिम्टम्स है वो जल्दी से जल्दी हम कम कर सकें और पेशेंट जल्दी से जो है वो ठीक हो जाए। छठा ऑप्शन रहता है कि अगर डिहाइड्रेशन फील करता है पेशेंट या फिर उसको हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है, उसका स्टेमिना मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो आईवी फ्लूइड्स का ऑप्शन रहता है आपके पास, कि जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन भी आप लगा सकते हैं या फिर रिंगर लैक्टल का सॉल्यूशन भी पेशेंट को चढ़ाया जाता है। फिर आरएस की बोतल आप लगा सकते हैं, डेक्स्ट्रोज की जो ग्लूकोज हम कहते हैं वो भी लगा सकते हैं, D5LRS या फिर DNS। तो ये सभी ऑप्शंस रहते हैं, इनमें से कोई भी एक आईवी फ्लूइड जो है वो पेशेंट को लगा सकते हैं आप। सातवां ऑप्शन रहता है कि अगर खून की कमी हो जाती है और खून चढ़ाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त जो कोई प्रॉपर डोनर मिल जाता है तो डोनर के थ्रू आप जो है वो पेशेंट को प्लाज्मा या फिर ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड आप लगा चढ़ा सकते हैं पेशेंट को, RBCs जो आते हैं वो भी पेशेंट को इन्फ्यूज़ किए जा सकते हैं, फ्रेश जो फ्रोज़न प्लाज्मा होता है वो, और चौथा ऑप्शन रहता है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न का। तो ये ब्लड लॉस होता है तो उसको पूरा करने के लिए ट्रांसफ्यूज़न का आपके पास ऑप्शन रहता है। अब एक सवाल ये आता है कि अगर उसके प्लेटलेट कम हो गए तो क्या करेंगे, कि बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट्स कम हो ही जाते हैं, तो प्रॉपर मेडिकेशंस की ज़रूरत है और साथ साथ होम रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है, बिकॉज जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होते हैं उसके कंपेयर में आप यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में देखो तो सिर्फ आपको एक दो और ये तीन ही प्लेटलेट्स दिखाई देने को मिलेंगे, कि जहाँ पे ये वाले में बहुत सारे प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। तो प्लेटलेट्स कम हो जाने के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है पेशेंट का, तो ज़रूरी है कि आप उसके प्लेटलेट काउंट को मेंटेन रखें। तो उसके लिए जो हमने अभी सीखा था कि होम रेमेडीज़ आप दे सकते हैं पेशेंट को, ब्लड या फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न करा सकते हैं, जो मेडिसिन आती है हर्बल्स आते हैं, होम्योपैथी, प्लाज्मा एक्सचेंज, सर्जरी, ये सभी ऑप्शंस रहते हैं प्लेटलेट काउंट को फिर से नॉर्मल करने के लिए। तो होम रेमेडीज़ के अंदर आप जो है वो पेशेंट को डेंगू फीवर के दौरान जो सलाड्स वगैरह आप समझो कि देते, तो उसमें आप चुकंदर दे सकते हैं, कि बीट रूट का उसको सलाड बनाकर दीजिए, कि जिससे उसके प्लेटलेट काउंट एज वेल एज जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का भी लेवल अच्छे से रहे। पपीते का लीफ जो होता है, कि पपाया लीफ जो कहा जाता है, उसको उबाल के उसका जो काढ़ा बना के भी पेशेंट को दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं उसको, फिर जो कीवी फ्रूट होता है वो दे सकते हैं आप उसको खाने में डाइट के अंदर, फिर गाजर जो है और नारियल पानी और बकरी का दूध, ये सभी ऑप्शंस रहते हैं उसके पास। तो इनमें से आप कोई भी आपको सूटेबल हो वो होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। फिर ज़रूरत पड़ने पर जो प्लेटलेट्स डायरेक्टली पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं, कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की जो हमने अभी बात की, कि अगर प्लेटलेट बहुत ही कम हो जाते हैं तो उस वक्त आपके पास ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स का ऑप्शन रहता है, कि जिससे पेशेंट का इलाज हो सके। मेडिकेशंस की हम बात करें तो डॉप्टेलेट की जो एवा ट्रोम्बो पैक करके टैबलेट्स आते हैं, रोमीप्लास्टिन के इंजेक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एल्ट्रोम्बो पैक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह के ऑप्शन रहते हैं, जिसके अंदर आप देखो तो रोमीप्लास्टिन का जो पाउडर आता है वाटर फॉर इंजेक्शंस के साथ, कि जो 250 माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ में रहता है 0.5 ml में, तो ये इंजेक्शन पेशेंट को सब क्यूटेनियस से लगाए जाते हैं, कि अगर उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं डेंगू के दौरान, या फिर डॉप्लेलेट के जो टैबलेट्स आते हैं वो भी पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कि जो स्पेशली 5 दिन का कोर्स रहता है, कि यहाँ पे आप देखो Day 1 पे पेशेंट जो है वो 3 टैबलेट लेता है और वो इस तरह से रहता है कि 1 1 1 प्रॉपर 8 आवर के टाइम डिफरेंस पे ये पेशेंट ये मेडिकेशंस लेता है, और ये 5 दिन तक लेता है, कि टोटल यहाँ पे आप देखो 15 टैबलेट्स दी गई है और डे वाइज प्रॉपर उसके ऊपर लेबलिंग भी किया हुआ है।
तीसरा हम देखें तो रेवोलेट करके जो 50 मिलीग्राम के टैबलेट आते हैं कि जो नोवार्टिस डिज़ाइन करते हैं, उसका सॉल्ट कंपोजिशन है एल्ट्रोम्बोपैग, तो वो टैबलेट भी प्रिस्क्राइब किया जा सकते हैं। या फिर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो आता है और रॉकलॉन का 150 माइक्रोग्राम का, जिसके अंदर एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो वो भी पेशेंट को जो है वो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के लगाए जा सकते हैं। फिर स्टेरॉइड्स का ऑप्शन रहता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर, कि जो डेक्सामेथासोन है या फिर बेटनसोल बीटामेथासोन आप यूज़ कर सकते हैं। हर्बल्स की हम बात करें तो कैरीपिल टैबलेट जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए स्पेशली, कि इससे क्या होगा कि कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट के ये टैबलेट होते हैं, कि अगर पेशेंट पपीते के जो लीफ होते हैं उसके पत्ते होते हैं उसका काढ़ा नहीं पी सकता, तो उस वक्त आप उसको ये डायरेक्ट टैबलेट दे सकते हैं। या फिर प्लेटेंजा के भी टैबलेट आते हैं हिमालय के, वो भी दे सकते हैं। या फिर प्लेटिजन करके जो सिरप आता है वो भी आप दे सकते हैं, कि जिसके अंदर स्पेशली पपाया लीफ के एक्सट्रैक्ट रहते हैं उसके अंदर। फिर गिलोय घनवटी भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, कि अगर उसके प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो गिलोय घनवटी के बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं, कि जो गिलोय होता है पतंजलि बनाता है, जंडू डाबर जैसे जो टॉप हर्बल मैन्युफैक्चर से वो उसको डिज़ाइन करते हैं। होम्योपैथिक में कैरिका पपाया के जो मदर टिंचर होम्योपैथी मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। हेमामेलिस और वर्जिनिका के भी ऑप्शंस रहते हैं, या फिर क्रोटेलस हॉरिडस, तो इसके जो ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं वो आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स के सलाह के अकॉर्डिंग टू जो वो ले सकते हैं डेंगू बुखार के दौरान। छठा रहता है कि अगर ये सभी उपाय से प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहे तो प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं पेशेंट का, कि प्लाज्मा जो है वो कम्प्लीटली एक्सचेंज किया जाता है या फिर उसको प्रॉपर में रिमूव करके एक्सचेंज कर देते हैं। और सातवा ऑप्शन रहता है कि सर्जरी, कि कोई भी ऑप्शंस नहीं रहता तो उस पेशेंट का जो स्प्लीन होता है वो सर्जरी करके रिमूव कर देते, कि जिससे उसके स्प्लीन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट काउंट को कम ना करें। बिकॉज क्या करते हैं कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल के जो स्प्लीन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स को फॉरेन मटेरियल समझ लेते हैं, मतलब कि उनको एंटीजन समझ लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी प्रॉपर एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है, और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्पेशली स्प्लीन में से। तो स्प्लीन क्या करेगी, अगर प्लेटलेट्स को वो एंटीजन समझ लेती है तो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगी, और जिससे आपके प्लेटलेट्स काम जो है वो कंटिन्यूसली कम होते जाते हैं। तो आगे जाके पेशेंट कोमा में ना जाए, डेथ ना हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि सर्जरी करके फिर उसके स्प्लेन रिमूव कर दे जाते हैं, जिससे और ज़्यादा प्लेटलेट्स डैमेज ना हो। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर डेंगू फीवर के बारे में। तो ऐसे ही सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में, मेडिसिन के यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, कि जहाँ पे आप कोर्स की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। या फिर एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।